देखा होगा लोग भी घूमने लगे, कोई किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का, अब कांग्रेस ले लो। अब कई लोग बात करेंगे जी कांग्रेस का कुछ मामला ठीक होता हुआ है। मैं बोली मैं कांग्रेस में 10 साल राज करगी, वीरेंद्र सिंह उसमें मंत्री भी थे, मैंने ये बता दो उन 10 साल में उचाने का कुछ करे आपको बता दो। एक हमारे स्कूल अपग्रेड नहीं हो गया उन्होंने, एक ईट हमारे स्कूल में रिपेयर की नहीं लगन दी उन्होंने, अस्पताल जो ये जो अपना उचाने का हॉस्पिटल है इसकी नींव भी हमने रखी और 12.5 करोड़ रुपए मेरे टाइम में मंजूर हुए और ये अस्पताल हमारा बनकर तैयार हो गया। CHC हमने बनवाई, PHC हमने बनवाई, सड़कें हमने बनवाई, और जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी एक भी अनाउंसमेंट उन्होंने पूरी नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई यहाँ से अगर मैं काम कर दूंगा तो वीरेंद्र का नाम बना हो जाएगा। तो इस तरह तो वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को चेताना चाहती हूँ कि कल को अगर उसका नंबर पड़ भी गया मारो चार का फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी ने पहले कुछ नहीं होगा आपका क्यों देगा वो। अगर कोई कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ, मैं कांग्रेस में जिनकी वजह से कांग्रेस छोड़ी थी आदमी वो कांग्रेस में वैसे वैसे खड़े हैं, तो यानी एक बार आदमी जिस चीज छोड़ते हैं फिर एक रामचंद्र ने सीता क्यों त्याग की, एक ने युवक कही गिरेजा तो रावण ग्रह का ही है, तो जिस पार्टी को छोड़ने दिया उसने दोबारा क्यों जाना। तो इसलिए इस बात का भूल जाओ कि हम किसी और पार्टी में जाओगे, ना किसी पार्टी को इतना दम रहा है कि भाई आप इस पार्टी छोड़ के किसी और में चले जाओ। और ये जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है ये कोई हल्कापन नजर आता है इन चीजों से। अब मेरा ले लो, अब 2014 में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आप लोगों ने बना दी, मैंने जी जान लगा कि यहाँ पे काम करे। 2019 का मैं चुनाव हार गई, अब मैंने उस टाइम भी बहुत किया था, मैं सरकार बीजेपी की बनेगी तो मत इस धोखे में रहो कि भैया सरकार बीजेपी की बनी लेकिन हम खाली रह गए।